हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो आज है बारिश वाला मौसम, बारिश बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो आज मेरा पूरा दिन काना के साथ कैसे बीतता है, बस वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो एंजॉय कीजिएगा। मैं सुबह की अपनी स्टार्टिंग करती हूँ गर्म पानी से। गर्म पानी मैं काय का पीऊंगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने रात में ये जीरा भिगो के रखा था, एक चम्मच जैसा मैंने इसमें जीरा भिगोया था, तो ये पूरी रात मैंने इसमें सोक करके रखा है। अब मुझे क्या करना है, इसको मुझे छान लेना है क्योंकि मैं यही पीने वाली हूँ। इसको मैं अब जो ये पानी है, अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ये मेरा पानी निकल गया, अब इसकी मैं जो है क्वांटिटी बढ़ा लूंगी। थोड़ा पानी में सिंपल और डालूंगी, थोड़ा सा बढ़ा लूंगी क्योंकि पानी ये थोड़ा सा पानी मैं इसको बढ़ा लूंगी और इसको रख दूंगी मैं गैस पे गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे गर्म पानी ही पीना है। तो ये मेरा गरम होगा, इतना हल्का गरम कर लूंगी। और गाइस, जो ये मेरा जीरा बचा हुआ है इसको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकूंगी, इसको मैं सुखा लूंगी। सुखाने के बाद मैं अपनी सब्जी या दाल में जो तड़का लगाती हूँ उसमें मैं यूज करूंगी, क्योंकि जीरा फेंकना नहीं चाहिए भाई, तो इसको मैं उसमें यूज करूंगी। और इतना मेरा इधर पानी गर्म हो रहा है तो मैं अपने नाश्ते की भी तैयारी करके रख लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने ली सूजी, आज मैं बना रही हूँ अप्पे, क्योंकि हेल्दी नाश्ता करना है और जैसे की डाइट हम लोग प्लान कर रहे हैं, तो उसमें क्या मैं सिर्फ अपने किचन में से ही सब यूज करूंगी, बाहर से कुछ नहीं लाने वाली हूँ। कोशिश करूंगी कि मतलब जो डेली यूज में हम लोग खाते हैं अपने किचन में से, उसमें से ही सब मैं करूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है सूजी और इसमें मैं डालूंगी ये आधा कटोरी दही। यहाँ पे अगर आपके पास छाछ है तो आप छाछ भी डाल सकते हो। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। अब इसको क्या करना है, फेंटना है। फेंटने के बाद आपको इसको रख देना है कम से कम आधा घंटा, जिससे कि ये जो सूजी है फूल जाए। तो दही हमारा कम पड़ता है सूजी के हिसाब से, तो यहाँ हम इसमें पानी ही ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आपके पास छाछ है तो आप छाछ भी ले सकते हो, यानी कि मट्ठा। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, दही और पानी के साथ मैंने जो है सूजी को मिक्स करा है। अब मैं इसको क्या करूंगी, रख दूंगी आधा घंटे के लिए, जिससे कि ये मेरी जो सूजी है वो फूल जाए अच्छे से। और बाद में जो मैं ये इसमें डालना है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो इसे फिलहाल इसको रख देते हैं रेस्ट के लिए। तो यहाँ पे हम इसको रख देंगे आराम से, आधे घंटे बाद हम इसका यूज करेंगे। और इधर मेरा जो पानी था वो भी गर्म हो चुका है। पानी आपको इतना गर्म करना है जितना कि आप पी सको, बस इतना गर्म करना है, ज्यादा इसको गर्म नहीं करना है, क्योंकि गर्मियां हैं तो ज्यादा गर्म भी पानी हम नहीं पी सकते। तो ये मेरा पानी तैयार है, मैं इसको पीऊंगी। जीरा है, आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा, सुबह अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके लिए भी बहुत हेल्दी है। तो ये मेरा एक ग्लास जीरा का पानी जो है बनके तैयार हो गया। मैं इसको मतलब एक एक घूट करके पीना है, मुझको एक साथ नहीं पीना है अभी गर्म। तो गाइस, आधा घंटा हो गया था और जो मेरा बैटर था वो फूल चुका है, क्योंकि मैंने इसमें दही डाला है तो ये अच्छे से फूल गया है। अब मैं इसमें डालूंगी प्याज, एक मैंने प्याज काटा है, टमाटर और हरी मिर्ची, इन सबको मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। उसके बाद कुछ तो डालने की जरूरत नहीं है। नमक अगर आपको कम लगता है तो आप डाल सकते हो। तो जो हरी मिर्च है वो मैं बाद में डालूंगी, क्योंकि मुझे काना के लिए भी बनाने हैं, तो दो तीन मैं काना के लिए निकालूंगी और उसके बाद मैं हरी मिर्च इसमें डालूंगी, ऐड करूंगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इतना मैं इसको मिक्स करती हूँ, इतना मैं जिसे मुझे अप्पे बनाने हैं वो मैं रख लेती हूँ गैस पे, क्योंकि इसको थोड़ा गर्म करना है। बाद में इसके अंदर मैं अप्पे डालूंगी। ये आपको इजीली किसी भी जहां से आप बर्तन लेते हो उसकी शॉप में मिल जाएगा। और मतलब इसके ऊपर जैसे मैंने ये रखा है और इसके ऊपर ये ढक्कन भी है, तो मतलब बहुत अच्छे से इसमें मेरे अप्पे बन जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको इतना गर्म होने रखूंगी, थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, ज्यादा इसमें ऑयल की जरूरत नहीं होती है। तो इतना मैं अपना बैटर मिक्स कर लेती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मेरा बैटर हो गया तैयार और बाहर बहुत तेज बारिश है, मैं भी आपको दिखाऊं। तो आपको पानी पीना, बहुत तेज बारिश हो रही है, आज सुबह से ही बारिश है। काना चल अंदर, चलो अंदर। और काना मेरे साथ है किचन में। अरे अरे, एक मिनट रुको काना, आ बेटा। क्या चाहिए? दूध। काना को चाहिए दूध। तो गाइस, यहाँ पे मेरा जो बैटर था वो भी तैयार था। अब मैं इसमें, हाँ एक मिनट ऐसे यहाँ से लेके मुझे ये थोड़ा थोड़ा यहाँ डालना है। हाँ एक मिनट खाना, एक मिनट बस। बेटा हाँ प्लीज, मैं सुन ली। एक मिनट, तो कल आपको इस तरह से बेटा बैटर डालते जाना है। खाना रुक, खाना
गिर गया बेटे। तो गाइस आपको इस तरह से इसमें डाल देना है, तो आपको इस तरह से इसमें डाल देना है और फिर इसको ऐसे ढक देना है। कम से कम 4 से 5 मिनट में ये हो जाएगा। और आपको जो गैस है वो एकदम मीडियम रखनी है। बताओ बता क्यों रो रही हो? अच्छा गोद ले, गोद ले। हाँ अभी दूंगी आपको, एक मिनट देख ले। हाँ एक मिनट रुका, देखिए बन रही है। इस तरह से आपके सारे आपके बन जाएंगे और इसको आपको पलट देना है। कितने अच्छे से एकदम सीख गए हैं। इस तरह से सारे पलट लोगे, फिर उसके बाद आपको ढक देना है, फिर आपको इसको 2 से 3 मिनट पकाना है, फिर ये रेडी हो जाएंगे। बेटा हाथ में करो पाना। तो गाइस यहाँ पे देखो कितने अच्छे से मेरे आपके जो है वो पक गए हैं। अब इनको मुझे निकालना, ये आपके लिए बेटा, आपको खिलाऊंगी ना बिना मिर्ची के। ये दोनों, एक मिनट खाना हाथ का, ये दोनों साइड से चिपकते भी नहीं है, मतलब अच्छे से निकल जाते हैं बहुत इजीली। तो गाइस मेरा सुबह का नाश्ता हो गया रेडी खाने के लिए है। मैं अपने में मिर्ची डालूंगी हरी, पकानी पकाना कर रहा है, आवाज परेशान, तो मैं खाना को पहले खिला देती हूँ, फिर मैं उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलो तो गाइस मैंने खाना को नाश्ता करा दिया है और यहाँ पे अब मेरी बन रही है कॉफी। और जी ये है मेरा नाश्ता, मैं भी अभी करूँगी, अभी मैंने किया नहीं है, कॉफी बन जाएगी इसके बाद करूँगी। और किचन ऑलमोस्ट मैंने मतलब क्लीन कर ली है, जो बर्तन थे थोड़े से वो भी मैंने धुल के रख दिए हैं। और बाहर इतनी तेज बारिश है कि पूछो मत, आज सुबह से ही बारिश हो रही है। और खाना देखो, खाना को मैंने मतलब उसको हिला उला के नाश्ता करा के एकदम फिट कर दिया खाना। और खाना देख रहा है कार्टून, वो थोड़ी देर कार्टून देखेगा उसके बाद खेल के सो जाएगा। और अभी मैं आपको दिखा दूँ बाहर बारिश बे मतलब इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, सुबह से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। पानी बहुत ज़्यादा, मतलब पूरी जो रोड है वो भर के चल रही है पानी की, इतनी बारिश हो रही है। अभी से इतनी बारिश है तो आगे क्या होगा। ये अच्छा है यहाँ पे बारिश हो या कुछ भी हो, लाइट नहीं जाती है। खाना क्या खेल रहे हो? एक काना की काऊ है, एक दो काना की काऊ है, काना एलिफेंट। काना खेलता भी है और कार्टून मतलब फोन भी चाहिए और सबने खिलौने भी चाहिए और वो ही साथ में मतलब इन सबसे खेलता रहेगा। तो गाइस बारिश है, मैं और कुछ ज़्यादा तो नहीं कर सकती। तो गाइस मेरी कॉफी बन गई है। तो गाइस मेरी कॉफी बन गई है, मैं पी लेती हूँ। जल गई भाई, थोड़ी सी जल गई, बाहर चली गई थी तो थोड़ी सी जल गई भाई। ये कॉफ़ी मैंने जो है गुड़ की बनाई है, जैसे कि मैं मतलब हमेशा शक्कर डालती थी, फटती नहीं है, पर ये इसमें तुलसा जी का पत्ता पड़ा है, क्योंकि ये दूध जो था भगवान जी को भोग लगाया हुआ दूध था, इसलिए इसमें तुलसा जी का पत्ता है। और मैं आज क्या करने वाली हूँ, मैं आज करूँगी अपनी अलमारी साफ कर लूँगी, क्योंकि मैं बारिश है तो कुछ और नहीं करूँगी। और मेरी अलमारी गाँव जाने के बाद हालत हो गई है खस्ता, मतलब लाइक पूरी अलमारी मेरी एकदम भरी पड़ी है। लाइट नहीं है इधर, तो इस वजह से ऐसा लग रहा है, क्योंकि इधर की साइड लाइट नहीं है। तो ये सब कपड़े मतलब इधर उधर हो रहे हैं, तो थोड़े सही करूंगी जो भी, और अपनी अलवारी ठीक करूंगी। चलो काना, अलवारी खुलने के बाद काना बहुत जल जाता। काना नहीं, काना नहीं, नहीं। तो गाइस हाँ काना कहाँ चल रहा है बता, कहाँ बेटा क्या हुआ? काना बोल रहा है मम्मी बाइस चलो। तो गाइस मेरी जो है मैंने अपनी अलवारी साफ कर ली है और काना देखो मुझे पकड़ के लेके जा रहा है। क्या दिखाना है काना? हाँ चलो 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 इधर से। तो गाइस सुबह से अभी टाइम हो गया है, 1 बज चुका है। हाँ बारिश है ना, इधर जाओ। तो गाइस 1 बज चुका है सुबह से और अभी बारिश बंद नहीं हुई है, जैसे मतलब पड़ रही थी वैसे ही पड़ रही है, बहुत ज्यादा तेज है। और अभी मैं आपको दिखाऊं, पानी इतना हो चुका है कि पूछो मत।
पूरी रोड पे पानी पानी है, मतलब रोड भी नहीं दिखाई दे रही, इतना पानी है, इतनी तेज बारिश है। और सामने जो पार्क है वो तो पूरा पानी से भर गया, एकदम तालाब जैसा लग रहा है। मतलब मेरी आवाज आपको कम आ रही है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा तेज है। हाँ, क्या देखना है, क्या देखनी है बताओ, काना क्या देखना है, बारिश देखनी है, काना को देखनी है बारिश, बारिश देखनी है। काना आज मैं और आप एक कलर हो रहा है, मेरा और तुम्हारा है। चलो देखो पानी है, देखना रोड पे, आपको मैं दिखाऊं रोड पे कितना पानी है। क्या देखना है, पानी बारिश देखनी है, क्या देखनी है, क्या देखनी है, क्या देखनी है, बोलता है काना पर अच्छा लगता है एकदम अलग अलग। क्या बोल रहा काना, क्या देखना है? अच्छा जोनी जोनी सुना दो, एक बार सबको सब सुन रहे, बोला जोनी जोनी बाईस तो है। अच्छा तो चलो तुम बाईस देखो, मैं आई तो गाइस घर से आने के बाद काम थोड़ा ज्यादा हो गया, तो सारे कपड़े ऐसे ही थे, जो लाई थी वो भी ऐसे ही रखे थे, और जो यहाँ थे वो भी मतलब अलमारी जो थी एकदम खराब हो रखी थी। तो मैंने सारे कपड़े अपने अच्छे से लगा लिए हैं, सारा काम कर लिया है, और अब सुबह से बस यही सब एक बज चुका है, तो बारिश है तो थोड़ी देर में काना को खिलाऊंगी, क्योंकि काना अभी सो नहीं रहा है, मेरा टीवी चल रहा है साइड में। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय।